क्योंकि 78वें उनको बहुत स्वतंत्रता दिवस को लेकर के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिस आशा और विश्वास के साथ हमारी इस राजस्थान की सरकार को चुना, आज के इस शुभ अवसर पर मैं बताना चाहता हूं कि विकसित राजस्थान के लिए, एक उन्नत राजस्थान के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित राजस्थान बनेगा। और आज मैं आपके माध्यम से उन सभी शहीदों को नमन करता हूं, उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और हमारे देश को आजादी दिलाने का काम किया। इस मौके पर मैं उन्हें याद भी करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं और आने वाले युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूं कि हम हमारे देश की अखंडता और एकता को बनाए रखें, एकजुटता के साथ हम देश हित में, राष्ट्र हित में समर्पित होकर के काम करें। मैं सभी प्रदेशवासियों को दिल की गहराइयों से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सीएम भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे आप। शहीदों को नमन करते हुए, याद करते हुए उन्होंने धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि उन्हीं की वजह से आज हम देश में खुद को आजाद महसूस कर रहे हैं। सीएम जो है पत्रकारों से मुखातिब हुए और उस दौरान वो बातें कहते हुए नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से जो राजस्थान है वो प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें हम अपना योगदान और भी आगे देते रहेंगे। डबल इंजन की सरकार जो है वो इस वक्त है।